अपनी भांजी को ससुराल छोड़ने गए मामा को ससुराल बख्स ने इतना बेरहमी से मारा कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने थाने का घेराव कर दिया और हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की है। शहर के नीमच सिटी थाने का आक्रोशित ग्रामीणों ने रविवार सुबह घेराव कर दिया। वे एक मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम जावी की मेना पति ओम प्रकाश धनगर को उसके ससुराल वाले दहेज को लेकर परेशान कर रहे थे। उस पर बच्चलन का आरोप लगाकर मारपीट भी की। मेना की दो बेटियां हैं जो थड़ोद निवासी उसके मामा के घर रहती थी। मेना के ससुराल वालों ने छल कपट से बेटियों को उसके मामा के वहां से बुला लिया। जब मामा प्रभुलाल अपने एक अन्य साथी आसाराम के साथ मेना की बेटियों को छोड़ने के लिए ग्राम जावी पहुंचे, तो संबंधित परिवार के लोगों ने उसके साथ जमकर मारपीट की। इस मारपीट की घटना में मेना के बुजुर्ग मामा बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें जिला अस्पताल और फिर उदयपुर रेफर किया गया, जहां 15 दिन आईसीयू में इलाज चला और उन्होंने अंत में दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने अब तक सभी आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की। मेना के परिजन और ग्रामीण सभी आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने की मांग को लेकर मृतक प्रभुलाल का शव लेकर नीमच सिटी थाना पहुंचे। वे एसपी को बुलाने व सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर अड़े थे। उनका कहना है कि यदि तत्काल पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो मृतक प्रभुलाल के शव को रोड पर रखकर प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी मांग थी कि पहले इन्होंने पुलिस वालों ने जो लीगल कार्रवाई थी वो कार्रवाई नहीं करी। दफ़ा 307 के तहत इनको कार्रवाई करना थी, लेकिन उन्होंने दूसरी धाराएं लगाकर उस केस को कमज़ोर बनाने की कोशिश करी। अभी आप एसपी साहब से मिलेंगे? हाँ, एडिशनल एसपी साहब से अभी हम मिल के आए हैं। एसपी साहब साथ के बाहर दौरे पर गए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि धारा 302 के तहत इनकी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और जो परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए शासन के नियम के अनुसार वो सहायता राशि हम कोशिश करके दिलवाएंगे। हाँ, हमारी रीजनल एसपी साहब और टीआई साहब से बातचीत हुई थी तो बाकी जो अपराधी थे उन अपराधियों को पकड़ने के लिए यहाँ से टीमें गई हैं और शायद उन्होंने बताया एडिशनल एसपी साहब ने कि 3 अपराधी इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं और वो शायद ऑन द वे है, रस्ते में हैं, तो अभी थोड़ी देर में थाने में आ जाएंगे। बाकी एक अपराधी अभी नहीं मिला है, उसके लिए भी एक टीम अलग से गई है, वो जैसे ही मिलेगा तो उसको पकड़ के लेके आएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन हमको दिया है। आपका नाम? तारीख को घटना हुई थी, एक महिला को उसके ससुराल में बिनाई भेजने की बात को लेकर के, और फिर दोनों पक्ष में मारपीट हो गई थी और फिर जो मारपीट के दौरान उसमें जो मुजरा था जो इसके खिलाफ जो है ना आपस में मारपीट में चोटें आ गई थी और उसके बाद प्रारंभिक सीधे यहाँ अस्पताल लेके आ गए थे उसको। यहाँ से यहीं पे 0 पे FIR लाज किया गया था 294/323/506 के अंतर्गत और यहाँ से रिफ़र हो गया था उदयपुर। उसके पश्चात जो है करीब से 18 दिन तक या अभी तक इलाज चलता रहा और फिर उसके बाद कल जो है उसकी मृत्यु हो गई। इस ऐसी खबर आज जो सिटी थाने पे उन्होंने शव लेकर पहुंचे, उनका कहना है कि कार्रवाई पूरी उनकी तरफ से जो मतलब जो नाम थे वो नहीं दर्ज किए गए। हाँ, ये सही है, उनका कहना है कि बोले साहब जो FIR में नाम आया है 2-3 लोगों के नाम है, उसमें 2-3 लोग और थे, 2 महिलाएं और एक जेंट्स और भी शामिल था, उनके नाम नहीं आए, तो उस पे उनके स्टेटमेंट जो गवाह है उनके अलग से पृथक से स्टेटमेंट लिए जाए।